फर्स्ट टाइम एवर नासा ने लिटरली सूरज के अंदर झांककर ऐसी तस्वीरें खींची है जो टोटली माइंड ब्लोइंग है। जब नासा सूरज की गहराइयों के कुछ इमेजेस को स्टडी कर रहा था, तब उन्हें सूरज की सतह पर तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे जो काफी ज्यादा कंसर्निंग थे। फर्स्ट, इसे देखो, इसमें दिख रहा है कि सूरज पर लिटरली बारिश हो रही है, जिसमें आसमान से मेल्टिंग हॉट प्लाज्मा बरस रहा है। देन इन इमेजेस में उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ऐसे दिखने वाले विचित्र घास जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे। एंड कैन यू इमेजिन दिस, ये स्ट्रक्चर्स वियर्डली माउंट एवरेस्ट से भी बड़े हैं। एंड लास्टली उन्होंने देखा कि वहां पर सतह पर कुछ ऐसी दरारें पड़ रही है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के कंबाइंड एरिया जितने बड़े बुलबुलों को सूरज की सतह पर जन्म दे रही है। सो एग्जैक्टली सूरज के साथ आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सब कुछ नॉर्मल है? अगर हाँ, तो फिर साइंटिस्टों को ये सब कुछ कंसर्निंग क्यों लग रहा है? बिसाइड्स, ये जो इमेजेस नासा को मिले हैं, वो उसके सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने यहाँ पर इतने दूर से खींचे हैं, जबकि सूरज के ऐसे फोटोज लेना सिर्फ तभी मुमकिन है अगर वो यहाँ इस पोजीशन से लिया जाए। सो सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि सीमिंगली इम्पॉसिबल कारनामा नासा वालों ने आखिर किया कैसे, और क्या सूरज से जुड़ी अब तक की हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जितनी भी समझ है, क्या वो सब हमें अभी डंप करना पड़ेगा? वेल, इन और इन जैसे कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नासा ने सूरज के खींचे लेटेस्ट इमेजेस को लेयर बाय लेयर डिकोड करके उनके बीच कड़ियां जोड़ने की कोशिश की, एंड दिस इज व्हाट दे फाउंड। दरअसल साइंटिस्टों को पता था कि सूरज और उसके इर्द गिर्द के वातावरण में कुछ तो ऐसी गतिविधियां हो रही है जो भविष्य में पृथ्वी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इन गतिविधियों से बने सोलर फ्लेयर्स की वजह से 2022 में इलॉन मस्क के एक नहीं बल्कि 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनके चपेट में आकर वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जाकर गिर गए थे। 2023 में तो 1 बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब्स जितना ताकतवर सोलर फ्लेयर के कुछ अंश नॉर्थ अमेरिका में गिर गए थे, जिसके वजह से वहां के सारे कम्युनिकेशन ठप हो गए थे और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट 1580 से लेकर आज तक कुल मिलाकर 33 टाइम्स सूरज ने पृथ्वी पर ऐसे सोलर फ्लेयर्स फेंके हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी और उस पर मौजूद टेक्नोलॉजी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ऐसा ही कुछ फ्यूचर में ना हो, इसीलिए नासा और ईएसए ने सूरज को करीब जाकर स्टडी करने की सोची, ताकि वो उसमें हो रहे एक्टिविटीज को डिटेल में स्टडी करके उसके पृथ्वी से टकराने के समय को ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके। और इसीलिए फिर दोनों स्पेस एजेंसीज ने साथ मिलकर 2010 में मर्क्यूरी के भी आधे डिस्टेंस पर सूरज की ऑर्बिट में एक मिशन लॉन्च किया कॉल्ड सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था सन को अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स पर स्टडी करना। अलग अलग वेवलेंथ्स इसीलिए क्योंकि जैसे पृथ्वी के ऊपर एटमोस्फियर के लेयर्स होते हैं, वैसे ही सूरज पर भी काफी सारे लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना कहते हैं, मिडल में मौजूद क्रोमोस्फियर है और इनर मोस्ट फोटोस्फियर लेयर है। इन सभी लेयर्स के तापमान में काफी ज्यादा फर्क होता है, और जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट निकलती है, और इसीलिए सूरज को स्टडी करने के लिए उन्होंने मल्टीपल वेवलेंथ्स की मदद ली। इस स्टडी में उनका पहला टारगेट था सूरज के सबसे बाहरी लेयर कोरोना को स्टडी करना। अब इसके टेम्परेचर के हिसाब से साइंटिस्टों ने यूवी लाइट के इस वेवलेंथ पर उसकी तस्वीरें लेना शुरू किया, और आप यकीन नहीं करोगे साइंटिस्टों ने क्या देखा। वेल, इस वेवलेंथ पर उन्होंने देखा कि गरम तपता लावा बारिश के रूप में सूरज पर बरस रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा था? इसके लिए जब उन्होंने गहराई से जांच की, तब उन्हें पता चला कि ये कोरोना में हो रहे एक बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हो 90% इंडियन बिजनेसेस एट द एंड फेल हो जाते हैं, एंड वन ऑफ द बिग रीजंस इज नो ऑनलाइन प्रेजेंस। कई बिजनेसेस को लगता है एक वेबसाइट बनाना काफी एक्सपेंसिव होता है और उसके लिए हाई टेक कोडिंग आनी चाहिए। बट क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मिलेगा फ्री कस्टम डोमेन साल भर के लिए विद लाइफ टाइम अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग प्लस फुल सपोर्ट, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, तो क्या अब भी आप प्रोकेस्टिनेट करोगे? वेल, दिस इज 100% पॉसिबल बिकॉज ऑफ उडू, एक अल्टीमेट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपकी कंपनी के सारे नीड्स को कवर करता है। वेबसाइट, CRM, इनवॉइसिंग और भी कई सारे एप्स को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर आप इफेक्टिवली ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऐप आपको हमेशा फ्री मिलेगा। चलो मैं आपको उडू से एक फ्री वेबसाइट बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सिलेक्ट करनी है, जैसे वेबसाइट डिटेल्स, उसका टाइप, फील्ड, ऑब्जेक्टिव, फिर कलर पैलेट और पेजेस भी। फिर उडू की 3 AI जनरेटेड थीम्स में से एक सिलेक्ट करना है, और बस रेडी।
ये वेबसाइट कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से इसका हेडर या फुटर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर्स, इवन यू कैन ऐड इमेजेस। अब जैसे मुझे और भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है तो ये ब्लॉक्स यहाँ पर है जिन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके काफी यूनिक चीजें डाल सकते हो। ये जनरली कोई भी दूसरी जगह इतना इजीली और फ्री में नहीं मिलता है आपको ये फीचर्स। ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, है ना बढ़िया। विद इन मिनट्स योर फ्री वेबसाइट इज रेडी विद जीरो कोडिंग नॉलेज, और वो भी बिना किसी के हेल्प के। तो अगर आपको भी ये यूजफुल लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उडू का लिंक मैंने डाल दिया है, जरूर चेकआउट करना। अब वापस लौट आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर। एक्चुअल में होता क्या है ना, सूरज पर मौजूद प्लाज्मा यानी चार्ज पार्टिकल्स का सूप जब उसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आता है तब ये मैग्नेटिक फील्ड उस प्लाज्मा को बाहर फेंक देता है। क्योंकि जैसे ही मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है और उसे बाहर की तरफ फेंक देती है। और ऐसा ही कुछ सूरज पर मौजूद प्लाज्मा के साथ भी होता है जो सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में बाहर आते हैं। ये फ्लेयर्स इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो महज कुछ ही घंटों में पृथ्वी से सूरज के लगभग 100 रिटर्न ट्रिप्स लगा सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि पृथ्वी के वाटर साइकिल की तरह ये गर्म फ्लेयर्स आउटर लेयर कोरोना तक पहुंचते पहुंचते ठंडे हो जाते हैं और वापस सूरज की सतह पर लावा की बारिश के रूप में बरसते हैं। और इसी फिनोमिनन को साइंटिस्टों ने कोरोना में कैप्चर किया और उसे नाम दिया कोरोनल रेन। यानी कि टू सम इट ऑल अप टिल नाउ, सूरज की पहली लेयर की तस्वीरों से साइंटिस्टों को सोलर फ्लेयर्स और उसके वजह से सूरज पर हो रहे कोरोनल रेन के बारे में पता चला। अब कोरोना का राज समझने के बाद वो सूरज के और करीब गए और उन्होंने उसके मिडिल लेयर क्रोमोस्फीयर को स्टडी करना शुरू किया। अब क्योंकि इस लेयर का तापमान कोरोना से कम होता है और इसीलिए क्रोमोस्फीयर को स्टडी करने के लिए इस वेवलेंथ की यूवी लाइट का इस्तेमाल किया गया और इसी वेवलेंथ में उसकी तस्वीरें खींची गई। एंड हियर इज व्हाट दे फाउंड व्हिच वाज आल्सो वेरी शॉकिंग। उन्होंने देखा कि सन का क्रोमोस्फीयर प्लेन जरा भी नहीं है जैसा सोचा गया था, बल्कि उसमें वियर्डली हर 5 मिनटों में माउंट एवरेस्ट जितने ऊंचे नुकीले घास जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे और ये स्ट्रक्चर्स आवाज की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा तेजी से बाहर के लेयर्स में फेंके जा रहे हैं। बेसिकली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सूरज का इक्वेटर उसके पोल से पहले एक रोटेशन पूरा करता है। इस वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी रबर बैंड की तरह ट्विस्ट होकर उलझ जाती है और उसकी सतह पर छोटे छोटे लूप्स बनाती है। और जब ये लूप्स वापस अनटैंगल या सुलझते हैं तब क्रोमोस्फीयर में शॉक वेव्स पैदा होते हैं और उससे वहां पर घास जैसे नुकीले स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यानी कि एक तरह से जब आप वूफर पर पानी डाल के उसे बजाते हो तब वो पानी नुकीले कांटों की तरह उछलने लगता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। सो इस लेयर की तस्वीरों से साइंटिस्टों को सूरज के क्रोमोस्फीयर में बने घास जैसे स्ट्रक्चर्स का राज पता चला। अब बारी थी उसके नेक्स्ट लेयर यानी फोटोस्फीयर को स्टडी करने की। इसे देखने के लिए साइंटिस्टों ने फिर एक बार लाइट के वेवलेंथ को बदला, क्योंकि 5000 डिग्री सेल्सियस गर्म फोटोस्फीयर सबसे ज्यादा ब्राइट विजिबल वेवलेंथ में दिखता है। इस फिल्टर से जब उन्होंने सूरज के फोटोस्फीयर यानी उसके सतह की तस्वीरें ली तब उन्हें उस पर कई सारी दरारें दिखाई दी। पर इन दरारों का आखिर मतलब क्या था, आखिर ये सूरज की सतह पर बन ही क्यों रहे हैं और आखिर ये है कितने बड़े। तो देखो हुआ यूं कि ओरिजिनली इस वेवलेंथ पर उन्होंने जब इमेजेस कैप्चर की तभी उन्हें पता चला कि इमेजेस क्लियर नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लगा कि ये दरारें मे बी पिक्सल्स हैं और इसीलिए उन्होंने इसे जूम किया। अब जूम करने पर उन्होंने ये नोटिस किया कि ये एक्चुअली में सूरज के कण हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं और इन्हें उन्होंने नाम दिया सोलर ग्रैन्यूल्स। अब इन सोलर ग्रैन्यूल्स की सबसे विचित्र बात क्या है पता है, ये पिक्सल्स इतने छोटे दिखाई देने वाले ग्रैन्यूल्स यूएस के सबसे बड़े स्टेट टेक्सास जितने बड़े हैं आकार में और ये बिल्कुल सेम प्रक्रिया से बनते हैं जिससे हमारे पैंजिया जैसे सुपर कॉन्टिनेंट्स बने थे। दरअसल जिस तरह से हमारे पृथ्वी की सतह के नीचे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोर के पास मौजूद गर्म लावा ऊपर आता है और ऊपर ठंडा हुआ लावा नीचे जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सूरज के कोर के पास मौजूद गर्म प्लाज्मा भी ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा हो रहा प्लाज्मा नीचे बैठने लगता है। अब ये प्रोसेस जब हम ऊपर से देखते हैं तब ये लावा जो ऊपर आया है वो हमें बबल्स की तरह नजर आता है और दो नजदीकी बबल्स के बीच की लाइन एक क्रैक की तरह नजर आती है। अब ये तो हुई फोटोस्फीयर की जूम्ड इन इमेज की बात। आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, जब हमने ओरिजिनली जूम्ड आउट इमेज देखी थी तब उसमें क्लियरली कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे।
अब ऑब्वियसली ये तो सोलर ग्रैन्यूल्स जैसे नहीं दिख रहे, तो एग्जैक्टली ये है क्या? इस पर नासा का कहना है कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड जो क्रोमोस्फीयर में घास जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है, वही मैग्नेटिक फील्ड नीचे फोटोस्फीयर में इन्हीं स्पॉट्स को बनाती है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था, सूरज की मैग्नेटिक फील्ड किसी रबर बैंड की तरह ट्विस्ट होकर उसके सतह पर छोटे छोटे लूप्स बनाती है। अब जहां पर ये लूप्स बनते हैं वहां पर मैक्रो स्केल पर उस स्नैपिंग के वजह से शॉक वेव्स जनरेट होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी कि प्लाज्मा के लेवल पर एकदम ही ऑपोजिट ट्रेंड देखने को मिलता है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन लूप्स में मौजूद प्लाज्मा के सभी चार्ज पार्टिकल्स एक कॉमन पैटर्न में अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द आयरन फाइलिंग्स अलाइन हो जाते हैं। अब ऐसे में इन चार्ज पार्टिकल्स का वाइब्रेशन पहले के मुकाबले कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा ठंडा हो जाता है और वहां पर एक काला धब्बा बनता है। यानी कि कुल मिलाकर साइंटिस्टों ने सूरज के सतह से 1 मिलियन किलोमीटर दूरी से उसकी इमेजेस ली और फोटोस्फीयर तक आते आते वो सूरज की सतह पर पहुंच चुके थे। इनफैक्ट उसके फोटोस्फीयर की ही तस्वीर वो हिस्टोरिक तस्वीर है जो सूरज की अब तक की ली गई सबसे डीपेस्ट इमेज है। बट यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट, आयरोनिकली सूरज से लिए गए इस डीपेस्ट इमेज को तो हम पृथ्वी से रोज देखते हैं। वेल, हमें जो सनराइज या सनसेट के समय जो स्मूथ सरफेस वाला सूरज दिखाई देता है, उसका वो स्मूथ सरफेस यही फोटोस्फीयर ही होता है। सो इस वीडियो में आपने जैसे देखा ऑल इन ऑल कैसे सन के लेयर्स को स्टडी करके हमें सन में चल रही गड़बड़ी का एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाता है, और नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज की इसीलिए इस पर नजरें होती है। और इससे हमने ये भी जाना कि सन के साथ एज सच कुछ इतना विचित्र नहीं हो रहा है। पर फ्रेंड्स, अब भी कुछ चीजें हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जैसे अगर सन के साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो फिर सभी स्पेस एजेंसीज इंक्लूडिंग इसरो ने पिछले 20 सालों में 10 सोलर मिशंस क्यों भेजे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो एक प्लैनेट है जिस पर हमको पानी ढूंढना है या फिर कोई कॉलोनी बसानी हो, तो फिर इतने रिपीटेड रिसर्चेस आखिर क्यों? क्या साइंटिस्टों को कुछ ऐसा पता है या इस इंटरेस्ट के पीछे कुछ ऐसी वजह है जो कि आम लोग नहीं जानते? वेल, पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, हाल ही में सूरज से आ रहे सोलर फ्लेयर्स की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जब मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ी सी और रिसर्च की तब मुझे पता चला कि इन्हें स्टडी करने के लिए नासा ने एसडीओ से पहले भी कुछ सैटेलाइट्स भेजे तो थे। जैसे फॉर एग्जांपल 1995 में लॉन्च हुई सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो, 2006 में भेजा था सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी स्टीरियो, और इनमें से सोहो स्पेसक्राफ्ट ने तो सूरज की सतह पर हो रहे वाइब्रेशंस की तस्वीरें खींचकर उससे सूरज के साउंड तक को रिकॉर्ड किया है। पर इसके बावजूद भी इन जैसे स्पेसक्राफ्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्लो स्पीड से डेटा ट्रांसफर करना एंड इवन इनकी एवरेज पिक्चर क्वालिटी विच इज वेरी लेस, एंड दिस इज वेयर एसडीओ कम्स इन। क्योंकि जहां पर सोहो को एक तस्वीर पृथ्वी पर भेजने में 12 मिनट लगते हैं और स्टीरियो को 1.5 मिनट लगता है, वहीं पर सेम काम एसडीओ सिर्फ 0.75 सेकंड्स में कर सकता है, और वो भी इन दोनों से 10 टाइम्स बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ। और इसीलिए नासा वालों को ऐसा लगता है कि एसडीओ इन जैसे मिशंस के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा इमेजेस बेहतर पिक्चर क्वालिटी में भेजेगा। हैविंग सेड दैट, सूरज की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सभी मिशंस के डेटा को स्टडी करने की जरूरत है, और इसीलिए जितने ज्यादा सैटेलाइट्स साइंटिस्ट वहां पे भेजेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने भी सूरज को स्टडी करने के लिए रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया था कॉल्ड आदित्य L1, जो सूरज और पृथ्वी के बीच एक ही पॉइंट पर सस्पेंडेड रहकर भी नासा के पार्कर सोलर प्रोब से ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन हमें देगा। अब ये सब पॉसिबल कर पाना जरा भी इजी नहीं था। क्या क्या टेक्नोलॉजी इसके पीछे यूज की गई है, कैसे एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड रह सकता है बीच स्पेस में, यू नो सन और अर्थ के बीच में वो खड़ा है एज इट इज, गिर नहीं रहा कहीं पे, या फिर अपने पोजिशन से आगे या पीछे नहीं चला जा रहा, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसरो ने इस हार्डकोर मिशन को अंजाम दिया? वेल, इस पूरे मुद्दे पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें आपको इसके पीछे के साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, और ये मिशन क्या क्या डिस्कवरीज कर रहा है और क्या क्या डिस्कवरीज करेगा इसके बारे में भी पता चलेगा। यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड चेक आउट दैट वीडियो, आई हाईली सजेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिससे आपको इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में समझ में आएगा।
फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेगा रेगुलरली। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडो। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को मीट करता है, और इसमें से फर्स्ट ऐप आपको हमेशा के लिए फ्री मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।